बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू दी एमएलटी एजुकेशन पॉइंट वेयर मेडिकल एंड साइंस टॉपिक आर मेड ईजी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट इसमें हम लोग एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक तो फ्लैगजन या एक्सटेंशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्लाइडिंग मूवमेंट का बता देती हूँ कि ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है जब दो फ्लैट सर्फिस मूव करती हैं बैक एंड फोर्थ या फिर साइड टू साइड मूव करती हैं और जब ये मूव करेंगी तो उनके दरमियान जो एंगल है यानी जब दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही होंगी तो उनके दरमियान एंगल भी चेंज ना हो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल जो आपकी वर्टी ब्रा है उनके दरमियान जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है यानी कि वो बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूव करते हैं नाव अगर हम देखें फ्लैक्जन को और एक्सटेंशन को तो ये किस में आते हैं एंगुलर मूवमेंट में फ्लैक्जन और एक्सटेंशन जो है वो एंगुलर मूवमेंट में आते हैं यानी एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस यानी यहां पर जो दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही होती है, बना रही होती है उनके दरमियान जो एंगल होता है या जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज या इंक्रीज करता है इन एंगुलर मूवमेंट तो एंगुलर मूवमेंट में जो पहला है वो है flexion. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैक्न को देख लेते हैं कि फ्लैक्शन क्या है वेन एंगल बिटवीन बोन्स एट ज्वाइंट डिक्रीजेज दैन इट इज़ कॉल्ड फ्लैक्जन फ्लैक्जन क्या होता है जब दो बोन्स जो कि आपस में जॉइंट बना रही हैं उनके दरम्यान का जो एंगल है या उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्लैक्जन बोलेंगे यानी फ्लैक्जन किस को रेफर करता है मूवमेंट डेट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स और वी कैन से डेट द एंगल बिटवीन द टू जॉइंट डिक्रीज इज कॉल्ड फ्लैक्शन यानी फ्लैक्शन क्या है बेंडिंग मूवमेंट है ऐसी बेंडिंग मूवमेंट जिसमें जो दो बोन्स के दरमियान का एंगल है वो क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है देर इज़ अ डिक्रीज इन एंगल बिटवीन दी आर्टिकुलेटिंग बोन्स या फिर हम ये भी कह सकते हैं वन टू फ्लैक् सर्फिस आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने आपको फ्लैगजर सरफेस एक्सटेंसर सर्फेस या फिर मीडियल लेटरल जितनी भी ये एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि एनाटोमी में यूज़ होती हैं वो मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी तो फ्लैगजन क्या है देर इज़ आ डिक्रीज़ इन एंगल बिटवीन दी आर्टिकुलेटिंग बोन ये जब आर्टिकुलेटिंग बोन्स के दरमियान का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा तो उसे हम फ्लेक्शन बोलेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है देख लेते हैं तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है एल्बो बेंड हुई हुई है ऊपर की तरफ फ्लेक्जन अगर आप देखें तो एल्बो को जब आप ऊपर की तरफ बेंड करते हैं यानी बेंडिंग बैंडिंग एल्बो इज़ अ एग्जांपल ऑफ फ्लेक्जन इन एल्बो जॉइंट व्हेन फ्रंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म आर अपोज़ टू ईच अदर यानी जब आप एल्बो जॉइंट में जब आपका आर्म का जो फ्रंट है और फोर आर्म इसको अगर आप एक दूसरे के सामने ऐसे ऊपर की तरफ अपोज टू तो ईच अदर करते हैं तो इनके दरमियान जब आप देखें तो एंगल डिक्रीज हो रहा है जब आप एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं एल्बो को बेंड कर रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है जब आप एल्बो को अपने हैंड को अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो एंगल क्या है डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्जन में क्या होता है ऐसी बेंडिंग मूवमेंट जिसमें जो एंगल है बिटवीन दी टू बोन्स वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो जब आप अपने एल्बो को अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे एल्बो को फ्लेक्स करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्लेक्जन इसकी अदर एग्जांपल है फ्लेक्जन की ये जो सेकंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है फ्लेक्जन की वो क्या है क्लेंचिंग अंड इन टू अ फिस्ट यानी जब अपने हैंड को क्लेंचिंग पोजिशन में लेकर जाते हैं अपने हैंड को क्लेंच करते हैं तो वो भी किस की एग्जाम्पल है फ्लैक्जिन की यह यानी यहाँ पर भी एंगल क्या हो रहा है जब आप अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो एंगल है वो क्या है डिक्रीज हो रहा है बेंडिंग मूवमेंट है तो ये किसकी इग्जाम्पल है फ्लैक्जन की इसके अलावा अगर हम फ्लैक्जन की एग्ज़ाम्पल देखें तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्लेक्शन ऑफ नी यानी और जो थाई की बैक है वो एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं अपोजिशन में आ रहे हैं एक बैंडिंग मूवमेंट हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्लेक्शन इसके अलावा और भी फ्लेक्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जैसे फ्लेक्शन ऑफ थाई फ्लेक्शन ऑफ थाई में क्या होता है व्हेन फ्रंट ऑफ थाई कम्स इन कांटेक्ट विद फ्रंट ऑफ एब्डोमेन ये जो आपकी थाई का जो ये ऊपर फ्रंट वाली साइड है जब वो एब्डोमेन के फ्रंट के साथ कांटेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ थाई इसी तरह अगर नेक की मूवमेंट में देखा जाए जब आप अपने फेस को क्लोजर टू दी चेस्ट करते हैं तो एंगल क्या होता है डिक्रीज होता है तो वो भी किसकी एग्जाम्पल हो गई फ्लेक्शन की नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन कि एक्सटेंशन क्या होता है वन एंगल बिटवीन बोन्स एट जॉइंट इंक्रीज दैन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन यानी जब दो जो हमारे पास कार्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उनके उनका जो एंगल है उनके दरम्यान अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंशन बोलेंगे एक्सटेंशन क्या है एक्सटेंडिंग मूवमेंट एक्सटेंशन क्या है एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज यानी जिसमें जो एंगल होगा बिटवीन द टू बोंस या डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा देयर इज इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंशन बोलेंगे तो अगर आप इस डायग्राम को अगर देखें तो जब आपने इसको ऊपर की तरफ अपने एल्बो या हैंड को मूव किया तो वो फ्लैक्शन थी अब अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं अपने हैंड को तो वो क्या है एक्सटेंशन यानी व्हेन एक्सटेंसर और डार्सल सरफेसेस आर ब्रॉड इन एज मच अप्रोक्मेशन एज पॉसिबल क्या मतलब जब आप अपने हैंड की जो एक्सटेंसर सरफेस है उसको अगर आप जितना लाइक मूव कर सकते हैं अप्रोक्मेशन में अगर आप उसको मूव करें लाइक अपने बाजू को अगर आप सीधा करते हैं स्ट्रेटन द आर्म एंड फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट ठीक है जब आप अपने बाजू को सीधा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी एक्सटेंशन हो जाएगी इसी तरह नीचे वाली डायग्राम में भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने हैंड को ऊपर की तरफ यानी क्लेंचिंग मूवमेंट के ऑपोजिट अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या है एक्सटेंशन है उसके बाद अगर एक्सटेंशन की आप ये डायग्राम देखें तो ये क्या है एक्सटेंशन ऑफ नी वेन थाई एंड लेग आर इन स्ट्रेट लाइन एज इन स्टैंडिंग यानी जब जैसे आप खड़े होते हैं बिल्कुल वो जो पोजिशन है यानी थाई और लेग बिल्कुल स्ट्रेट हों तो उसको आप क्या बोलेंगे एक्सटेंशन इसके अलावा एक्सटेंशन थाई की भी हो सकती है जब बंदा बिल्कुल इरेक्ट स्टैंड एरेक्ट स्टैंडिंग पोजिशन पर हो इसके अलावा जब अपने फेस को अपने चेस्ट से अवे मूव करते हैं तो वो भी किसकी एग्जाम्पल में आ जाता है एक्सटेंशन में यहाँ पर अगेन फ्लैक्शन और एक्सटेंशन को फिर से पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लैक्शन क्या है बेंडिंग मूवमेंट है अब आप देखें इसने ये यह यहाँ पे आपकी आर्म जो है वो बेंड हो रही है बेंडिंग मूवमेंट है आपकी जो एल्बो है वो फ्लैक्स हो रही है एंगल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेज इसके कंपेरिजन अगर आप एक्सटेंशन को देखें तो एक्सटेंशन क्या है एक्सटेंडिंग मूवमेंट है इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन द टू बोन्स इंक्रीजेस तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन नेक्स्ट है एडक्शन एडक्शन क्या होता है द मूवमेंट ऑफ़ द बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी यानी जब हम बॉडी पार्ट्स को टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एडक्शन यानी कि मूवमेंट ऑफ लिम टूवर्ड्स द मिड लाइन और मीडियल लाइन वन लिब इज ब्रॉड क्लोज टू द बॉडी इट इज कॉल्ड एडक्शन इसकी एग्जाम्पल क्या है जैसे आप अपने आर्म्स को टूवर्ड्स द मिड लाइन लेकर आते हैं दोनों आर्म्स को जैसे एरो पे यहाँ पे शो हुआ है कि आप अपने बाजू कैसे ऊपर से नीचे की तरफ टूवर्ड्स द मिड लाइन लेकर आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे एडक्शन एडक्शन मीन एड करना किसी चीज को यानी बॉडी पार्ट को टूवर्ड्स दी मिड लाइन लेकर आना क्या होता है एडक्शन होता है अब ये नेक्स्ट जो है ये भी एडक्शन की एग्जाम्पल है वेन थाई इज ब्रॉड क्लोज टू द मीडियल प्लेन यानी जब आप अपनी थाई को टूवर्ड्स द मीडियल प्लेन लेकर आ रहे हैं तो वो भी क्या है एडक्शन है नेक्स्ट क्या है एबडक्शन एबडक्शन क्या है द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी यानी जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एबडक्शन मूवमेंट ऑफ लिम अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन यानी जब आप अपने लिम्स को मीडियन लाइन से साइड पे मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं एबडक्शन व्हेन इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी इट इज कॉल्ड एबडक्शन तो यहां पर देखेंगे जो रेड कलर में आपको लाइन शो रही है क्या है मिड लाइन ठीक है तो मिड लाइन से जो आपके आर्म्स है दोनों वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या है एबडक्शन यानी कि आपके जो आर्म्स है वो अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ साइड पे मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं एबडक्शन अब यहाँ पे भी एबडक्शन की अगेन एग्जाम्पल है कि जब अपनी थाए को अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेकर जाएंगे तो वो क्या है एबडक्शन है उसके बाद है मीडियल रोटेशन मीडियल रोटेशन क्या होती है इट इज़ द रोटेशनल मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन यानी कि रोटेशनल मूवमेंट जब करेंगे लेकिन किस की तरफ जब मिड लाइन की तरफ करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे मीडियल रोटेशन इसकी एग्जाम्पल क्या है लाइक एंटीरियर सर्फेस ऑफ द बोन ऑफ लिम्ब स्टैंड टूवर्ड्स द मिड लाइन यानी जो आपके बोन की या आपके लिम्स की जो एंटीरियर सर्फेस है इन फ्रंट वाली अगर आप उसको टूवर्ड्स द मीडियल लाइन लेकर आएंगे तो उससे हम क्या बोलते हैं मीडियल रोटेशन इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल वेन द आर्म रोटेट्स मीडियली ब्रिंगिंग द फ्लैक्सड फोर आर्म अक्रॉस दी चेस्ट सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ़ मीडियल रोटेशन क्या मतलब जब आप अपनी आम को ऐसे रोटेट करें टूवर्ड्स द मिड लाइन यानी मिड लाइन की तरफ अपनी आम को रोटेट करें और उसकी जो फ्लैक्सड फोर आर्म है फ्लैक्सड सर्फेस मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्लैक्जर सर्फेस कौन सी होती है और एक्सटेंसर सर्फेस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है तो जो आपके आम की फ्लैक्जर सर्फेस होती है यानी कि एक्स एंटीरियर सर्फेस होती है जब आप उसको मीडियली लेकर आते हैं चेस्ट की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं मीडियल रोटेशन ठीक है नेक्स्ट है लेटरल रोटेशन लेटरल रोटेशन क्या होती है इट इज़ द रोटेशनल मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन यानी ऐसी रोटेशनल मूवमेंट जो कि मिड लाइन से अवे होगी ठीक है मिड लाइन से साइड पे उससे दूर होगी उसे हम क्या बोलेंगे लेटरल रोटेशन यानी एंटीरियर सरफेस ऑफ द बोन मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन यानी यहाँ पर जो बोन के एंटीरियर सरफेस होगी वो कहाँ पे मूव करेगी अवे फ्रॉम द मिड लाइन जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें वेन आर्म रोटेट्स लेटरली टेकिंग दी फ्लैक्सड फोर आर्म अवे फ्रॉम दी बॉडी कि जब आपकी आर्म ऐसे रोटेट करे कि जो उसका फ्लैक्स सर्फेस है यानी इंटीरियर सर्फेस है वो मिड लाइन से अवे चला जाए ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं लेटरल रोटेशन यहाँ पे भी आपको मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन की एग्जांपल लोअर लिम्स में दिखाई गई है कि जब आपके थाए जो है वो मीडियली टर्न करते हैं यानी टुवर्ड्स द मिड लाइन टर्न करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं मीडियल रोटेशन और जब आपके थाए अवे यानी कि लेटरली टर्न होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं लेटरल रोटेशन नेक्स्ट है सरकमडक्शन सरकमडक्शन क्या है मूवमेंट ऑफ लेम इन अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमडक्शन यानी जब आप अपने लिम्स को सर्कल में मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं सरकमडक्शन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कल तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी सरकमडक्शन की जैसे आप अपने थम को रोटेट करते हैं राउंड राउंड सरकमडक्शन ऑफ थम ठीक है round, round. Thumb, तो सरकमडक्शन सर्कम मीन सर्कल सर्कल में मूवमेंट इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एबडक्शन फ्लेक्शन एंड एडक्शन इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन जैसे आप किसी बॉलिंग वगैरह करवाते हैं तो वो सर्कल में आप ऐसे करके करते हैं तो वो क्या है किसकी एग्जाम्पल है सर्कम डक्शन की नेक्स्ट टर्म है सुपीनेशन सुपीनेशन क्या होती है रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड सो डेट पाम फेसिस अपवर्ड और फॉरवर्ड बेसिकली जो सुपिनेशन या प्रोनेशन होती है वो फोर आर्म की मूवमेंट होती है इसमें हम क्या करते हैं जो सुपिनेशन में आपने क्या याद रखना है जो आपकी पाल्म है वो अपवर्ड फेस करेगी या फिर फॉरवर्ड फेस करेगी सुपिनेशन के अंदर जो आपकी पाल माफ की हैंड है वो कहाँ पे फेस करेगी अपवर्ड और फॉरवर्ड अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सुपिनेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है जो आपके हैंड की ये जो पाल में वो कहाँ पे मूव कर रही है अपवर्ड मूव कर रही है या फिर फॉरवर्ड मूव कर रही है और इसको हम लोग पाम एंटीरियर भी कहते हैं ठीक है, है? सुपिनेशन फिर क्या हो गया पाम एंटीरियर क्योंकि पाम फेसिस फॉरवर्ड और अपवर्ड नाओ नेक्स्ट है प्रोनेशन प्रोनेशन क्या है रोटेशन ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड सो डैट पाम फेसिस डाउनवर्ड और बैकवर्ड यानी कि जब आपकी पाम है वो डाउनवर्ड होगी यानी कि बैकवर्ड होगी यानी पाम आपकी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगी जैसे आप अपना हाथ उल्टा करके रखते हैं तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं प्रोनेशन तो ये यह यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर आप अपनी पाम ऑफ की हैंड को क्या कर देते हैं डाउनवर्ड फेस करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं प्रोनेशन यानी कि पाम पोस्टीरियर अब सुपिनेशन या फिर प्रोनेशन की एग्जांपल अगर हम लें तो हम ऐसे भी ले सकते हैं सुपिनेशन क्या है एज इन पुटिंग फूड इन दी माउथ जैसे हम लोग कोई चीज़ अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे हाथ की वो जो पोजीशन है वो क्या है सुपिनेशन पाम कहाँ पे फेस कर रही है अपवर्ड प्रोनेशन क्या है एज इन पिकिंग फूड विथ फिंगर्स फ्रॉम फ्राम प्लेट जब हम अपनी उंगलियों से प्लेट से कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं तो जो वो हमारे हाथ की पोजिशन है वो क्या है प्रोनेशन नेक्स्ट है इन्वर्जन इन्वर्जन क्या होता है मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन नहीं जो आपके सोलह फुट है यानी फुट का जो इन्फीरियर साइड है अगर वो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन मूव करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे इन्वर्जन इसके कंपैरिजन इवर्जन क्या है मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फ़ुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन यानी अगर आप अपने सोलह फुट को अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं इवर्जन इस डायग्राम में देखें आप तो इनवर्जन में क्या हो रहा है जो आपके फुट के सोल हैं इन्फीरियर साइड है जो आपके फुट की वो मीडियल लाइन के टूवर्ड्स मूव हो रही है लाइक like दिस इसके कंपैरिजन अगर आप लेटरल को देखें तो जो आपके सोल्स ऑफ आप फुट हैं वो अवे फ्रॉम दी मीडियल लाइन मूव कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं एवर्जन नेक्स्ट है प्लांटर फ्लेक्षिन। प्लांटर प्लान्टफ्लेक्शन किसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीजेस यानी सोल ऑफ फुट की ऐसी मूवमेंट के जिसमें आपके फुट और लेग के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करे ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं प्लांटर प्लान्टफ्लेक्जन इस डायग्राम में अगर आप देखें तो प्लांटर फ्लैक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है आपका अगर आप अपने पाँव कैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो आपके डिस्टेंस है आपकी लेग का और आपके फुट का वो क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है प्लान्टफ्लेक्शन के अंदर ठीक है डिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है उससे हम क्या बोलते हैं प्लान्टिफ्लैक्शन तो डॉर्सी फ्लेक्शन क्या है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट डिक्रीज इज़ कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन अगर जो आपकी लेग और फुट के दरमियान का डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन अगर आप अपने पाँव कैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है आपके लेग के दरमियान और आपके फुट के दरमियान वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। सो स्टूडेंट इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग